शहद या मधु हमेशा से रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रहा है, साथ ही सदियों से एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में शहद का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, फिर चाहे वो खाने में हो या पूजा के लिए या फिर अपनी त्वचा को निखारने के लिए, हर जगह ही इसका प्रयोग किया जाता है। शहद का स्वाद मीठा होता है और यह शुगर से कहीं ज्यादा लाभदायक भी होता है। शहद में जो मीठापन होता है वो मुख्यतः ग्लूकोज और एक कल्चर कार्ब फ्रक्टोज के कारण होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, यह आपको कई बीमारियों से बचाते हैं, साथ ही यह आपकी सुंदरता को बढ़ाने के काम भी आते हैं। शहद में कई तरह के विटामिन मौजूद होते हैं और शहद में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को कई तरह के रोगों से बचाने के काम आती है। शहद चेहरे और त्वचा के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है। इसे लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है और त्वचा का रूखापन भी चला जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो भी यह कारगर साबित होता है। इसे लगाने से चेहरे पर होने वाला इंफेक्शन भी सही हो जाता है। शहद का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आप शहद को कान के पीछे लगाकर देखें। अगर आप चेहरे से टैनिंग को हटाना चाहते हैं तो शहद में नींबू निचोड़ लें और उसे अच्छी तरह मिला लें। आप शहद में दही मिलाकर भी लगा सकती हैं। इससे त्वचा में निखार आता है। शहद में अंडा मिलाकर लगाने से स्किन में ग्लो आता है। अगर आपकी त्वचा पर जले का निशान है तो इस पर ताज़ा शहद लगाएं, क्योंकि इसमें चिकित्सकीय और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और अगर आप नियमित रूप से इसे जले के दाग भी दूर हो सकते हैं। सनबर्न वाली जगह पर भी शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, जिस वजह से चेहरा मुलायम बना रहता है और झुर्रियां पड़ने से रोकता है। शहद को चेहरे पर लगाने से यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटा देता है और त्वचा का फिर से टाइट करने लगता है, जिस वजह से झुर्रियां जल्दी से नहीं पड़ती हैं।